गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में जो क्या था, जो हमारे भी जितने भी प्रोसेस थे वूल गट करने के, वो हमने सारे स्टेप्स द प्रोसेसिंग ऑफ वूल्स के वो हमने स्टडी करा था। एंड टुडे वी विल डिस्कस हेल्थ हजार्ड इन वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री के अंदर जो हेल्थ के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी हजार्ड्स के बारे में आज हम अपने इस क्लास के अंदर, एंड और भी टॉपिक्स है, सिल्क के बारे में भी हम अपने आज के क्लास में स्टडी करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं एंड जानते हैं कि क्या क्या है। द मेजर हेल्थ हजार्ड फेस्ड बाई पीपल वर्किंग इन वूल इंडस्ट्री, जो वूल इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं उनके हेल्थ के ऊपर भी उस इंडस्ट्री की वजह से इफ़ेक्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ हजार्ड इन वूल इंडस्ट्री। वो एक इन्फेक्शन होता है उस इंडस्ट्री के अंदर, एक इन्फेक्शन उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके हेल्थ के ऊपर एक इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को एंथ्रेक्स कहते हैं। इट इज़ अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़। ये एक प्रकार का कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ है ऑफ गॉट। ये गॉट के अंदर एंड सिप्स के अंदर पाया जाता है एंड माइटेड टू अफेक्ट द वर्कर्स। और जो उस इंडस्ट्री के वर्कर्स होते हैं उन वर्कर्स को भी उन गॉट्स के और उन सिप्स के वजह से ये इन्फेक्शंस उनके बॉडी के, उसके हेल्थ के अंदर हो सकते हैं। ओके, कब? इन्वॉल्व इन द शेयरिंग एंड शॉर्टिंग प्रोसेस। जब ये शेयरिंग एंड शॉर्टिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये जो इन्फेक्शन है जो इंडस्ट्री के, वूल इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उनको ही हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्टर डिजीज़। इसे शॉर्टर डिजीज़ भी बोलते हैं। ओके, दिस डिजीज़ लीड टू स्किन। ये स्किन पे इफेक्ट करता है, लंग्स एंड इंटरनल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ऊपर ये जो है अफेक्ट करता है। एंड ऑल्सो रिजल्ट इन लेसर इन आर्म्स, नेक एंड लंग्स, इन सब चीज़ों के ऊपर भी, जैसे कि आर्म्स हो गया, नेक हो गया एंड लंग्स हो गए, इनके ऊपर भी इनके जो इफेक्ट है, जो इसका रिजल्ट है वो देखा जा सकता है। सेकंड, द यूजेस ऑफ केमिकल डाई। जो क्या करते हैं, जब हम उनको डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो उनके जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से जो आईज होती है हमारी, आईज में इरिटेशन होती है। ओके, तो केमिकल प्रोसेस की वजह से हमारी आईज में इरिटेशन हो सकती है, स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे जो लंग्स हैं एंड हमें ब्रीथिंग के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ड्यू टू द केमिकल डाइंग की वजह से। अगला, इन अप्रोप्रिएट वेंटिलेशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एट द वर्क प्लेस। जो इनके वर्क प्लेस होते हैं वूल इंडस्ट्री के, उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उस वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से उनको जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है एंड हेल्थ से जनरल इश्यूज हो सकते हैं उनको, हेल्थ के, क्लियर है। एंड फोर्थ पॉइंट इज हायरिंग लॉस इज अनदर हेल्थ हजार्ड फेस्ड बाय द वर्कर ऑफ द वूल इंडस्ट्री ड्यू टू द लाउड नॉइस मेड बाय द मशीन्स। जो मशीन्स होती हैं उन मशीन्स के लाउड नॉइस की वजह से उनको हेयरिंग लॉस, जो उनकी सुनने की क्षमता होती है, जो उनकी लिसनिंग पावर होती है, वो क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है, कम हो सकती है। क्लियर? दैट वाज द हेल्थ हजार्ड इन वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ हजार्ड्स को लेकर हमने डिस्कस करा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, आपको नेक्स्ट टॉपिक से पहले क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अबव पैसेज जो हमने अभी स्टडी करा है उसके बिहाफ पे ये फोर क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स के। ये क्वेश्चंस आप इसके आंसर्स फाइंड आउट करके अपने रफ नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ We will discuss about silk. Silk क्या होता है, जैसे अभी हमने वूल के बारे में पढ़ा, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिल्क। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स। सिल्क क्या है बच्चों, ये एक एनिमल फाइबर है और ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म आर द लार्वा एंड कैटरपिला ऑफ द सिल्क मोथ। ओके, सिल्क वॉर्म क्या है, ये लार्वाज एंड कैटरपिला ऑफ द सिल्क मोथ जो होते हैं ये उन्हीं से मिलता है। देर आर मैनी स्पेसीज ऑफ सिल्क मोथ। यहाँ पर बहुत सारे स्पेसीज, बहुत सारे काइंड्स हैं सिल्क मोथ के,
बट द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क मोथ बैक्सोम मोरी। ओके, ये क्या है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा सिल्क माना जाता है इसको। अब हम कुछ कैरेक्टर स्किच पढ़ लेते हैं सिल्क के। कैरेक्टर स्किच ऑफ अ सिल्क फाइबर, इट इज़ लस्टर एंड सॉफ्ट, ये चमकीला होता है और सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट वन इज़ अ, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या होता है बच्चों, जो सिल्क होता है दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ अ, इट इज़ अ वेरी इलास्टिक, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, दस रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जो रिंकल्स वगैरह है वो भी नहीं आती है। इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग स्टील वायर एंड सेम डायमीटर, हम ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एज अ स्टील वायर, जो स्टील वायर होती है ठीक उसकी तरह आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, इट हैज़ अ नेचुरल पर्टिकुलर नेचुरल साइन एंड डाइंग वेल, इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से डाई भी कर सकते हैं, किसी भी कलर में चेंज करना चाहे वी कैन डू इट ईजिली। ओके, इट इज़ रेजिस्टेंस टू डस्ट, और ये इसके ऊपर डस्ट वगैरह भी जो ज़्यादा नहीं आता है, ये डस्ट रेजिस्टेंस्ड होते हैं। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टर स्केच थे बच्चों सिल्क के। एंड नाउ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है, हमें इसके बारे में भी स्टडी करना है। द वेरियस स्टेज इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइंग ऑन एग्स, पहला प्रोसेस होता है एग्स देना। आफ्टर मैचिंग द फीमेल सिल्क मोथ लाइंग हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन द मलबेरी लीव्स, जो मलबेरी लीव्स होती हैं उनके ऊपर जो फीमेल सिल्क मोथ होता है उनके मैचिंग के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है ये मिल्क वेरी लीव्स पर देते हैं। देन आफ्टर वो एग्स जो होता है हैचिंग होता है, हैचिंग इनटू द लार्वा और कैटरपिला, वो हैच होकर लार्वा एंड कैटरपिला के अंदर कन्वर्ट होता है। इसको भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, द एग्स हैच इनटू द वर्म कॉल्ड लार्वा और कैटरपिला आल्सो नोन एज सिल्क वर्म्स, उनको हम सिल्क वर्म्स भी बोलते हैं। द कैटरपिला फीड ऑन मलबेरी लीव्स फॉर 3 to 4 weeks, ये उस पर 3 to 4 weeks रहता है जो मलबेरी लीव्स है उनके ऊपर। दे शेड देयर स्किन्स एट लीस्ट 4 times, उनकी जो स्किन्स होती है वो लगभग 4 बार शेड करते हैं उसे। ओके, ड्यूरिंग दिस फीडिंग स्टेज, उनकी जो 3 to 4 week की स्टेज होती है फीडिंग की, उस पूरे प्रोसेस के अंदर, उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर वो अपने स्किन को 4 times जो at least 4 times जो है वो क्या करते हैं, शेड करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग देयर स्किन इज़ नोन एज मोल्टिंग, उस प्रोसेस को हम मोल्टिंग बोलते हैं। एंड विथ ईच मोल्ट द कैटरपिला ग्रो इन साइज, और हर किसी मोल्टिंग के अंदर जो कैटरपिला होता है वो क्या होता है बच्चों, उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कोकून्स, फॉर्मेशन ऑफ कोकून्स कैसे होता है, आफ्टर द फाइनल मोल्ट, जो फाइनल मोल्ट होता है इट मीन्स जो 4th मोल्ट होता है, व्हेन द कैटरपिला हैव सफिशेंट ग्रो इन साइज, जब कैटरपिला सफिशेंट ग्रो हो जाता है साइज में, दे केजीज टू फीड एंड बिगन टू ग्रो इन टू प्यूपा, और वो इस स्टेज में आ जाता है कि वो ग्रो करने वाला होता है प्यूपा के अंदर। द प्यूपेटिंग कैटरपिला स्टार्ट स्क्रेटिंग अ थिन फिलामेंट लाइक द सब्सटेंस फ्रॉम द सेल्वेरी ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड, दिस क्रेशन इज मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फैब्रियन। ओके, तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेशन ऑफ कुकून होता है, क्लियर है, आप देख भी रहेंगे कुकून है ये पूरा, दिस इज द डायग्राम ऑफ कुकून। एंड देन आफ्टर एम्ब्रेजनेस ऑफ सिल्क मोथ, ओके, इनसाइड द कुकून्स, जो कुकून्स के अंदर होता है, द प्यूपा डेवलप इनटू एडल्ट मोथ, और जो प्यूपा होता है वो एक एडल्ट मोथ के अंदर डेवलप्ड होता है। ओके, दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, हमने अपने लास्ट क्लास में जो वूल है वूल के प्रोसेस पढ़े थे, और मैंने आपसे कहा था कि आपको होमवर्क में उसे ड्रॉ करना है, ओके, एंड उसके बारे में आपको राइट डाउन करना है एंड लर्न करना है। आज का जो हमारा होमवर्क होगा बच्चों, वो होमवर्क सिल्क मोथ से सिल्क से रिलेटेड होगा। पहले हमें सिल्क की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, एंड देन आफ्टर हमें सिल्क के जो कैरेक्टर स्किच हैं उनको राइट डाउन करना है, एंड उस सबसे पहले आपको
लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ, इसको आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड आई होप ऑल स्टूडेंट विल डू देयर होमवर्क। ओके, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेरिकल्चर, व्हाट आर सेरिकल्चर एंड देयर टाइप्स, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।